नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हैं वीवो कंपनी का चार्जर है जो कि ख़राब है और रिपेयर करने के लिए आया है। तो इस चार्जर को हमने पहले से ही खोल लिया था ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रहता है और काफ़ी महंगा भी ये मिलता है मार्केट में। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे और कैसे करेंगे ये आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसकी पीसीबी को हम बाहर निकाल लेंगे, प्लेट को। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रहता है। और फ्रेंड्स, ये प्लेट जो एकदम फ्रेश है, ना इसमें कोई कैपेसिटर साड है या कुछ जला वाला सा नहीं दिख रहा है, एकदम फ्रेश ओके दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम पहले एसी सप्लाई देके और मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो उसके लिए हम ले लिए हैं 2 पिन प्लग, ये आप देख सकते हैं। इसको हम इसकी चार्जर की एसी लाइन पे अच्छे से सोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फटाफट हम कर देंगे। उसके बाद में मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे कि कितना ये आउटपुट दे रहा है हमें। तो हम इसको जोड़ दिए अच्छे से, और जोड़ने के बाद में हम अभी एसी सप्लाई से इसको चेक करेंगे। तो हमें एसी सप्लाई ले ली है, उसके बाद में इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद में हम इसको जो है मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसको हम अच्छे से चेक करेंगे मल्टीमीटर से। ये देखिए आप, ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ये सब वीडियो में देख सकते हैं। वोल्टेज तो दे रहा है लेकिन बहुत कम वोल्टेज दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, लगभग ना के बराबर दे रहा है ये वोल्टेज। तो हम ऐसी सप्लाई को हटा दिए, उसके बाद में अब देखेंगे इसमें कि क्या दिक्कत हो रहा है। तो उसके लिए हम चार्जर को किट को ऊपर ले लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ टूटा सा दिख रहा है, शायद बाद कोई हमारा कंडक्टर जो है टूट के निकल गया है। तो उसको क्या करेंगे हम, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको जंपर कर देंगे, यानी शार्ट कर देंगे इस दोनों पॉइंट को। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसको शार्ट कर देंगे फटाफट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये शार्ट हो चुका है। एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे। उसके बाद में हम इसको फिर एसी सप्लाई देके और चेक करेंगे कि हमारा सर्किट जो है सही हुआ या नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं जो हमने शार्ट किया था, ये दोनों पॉइंट हमने शार्ट कर दिया है। अब उसके बाद में एसी सब कुछ एलईडी चेक करके देखेंगे, जैसे हमारे पास 5 mm की एक एलईडी है, तो हम इसको अच्छे से इस पर सोल्ड कर देंगे प्लस माइनस देख के। ये 5 mm एलईडी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद में इसको जोड़ देंगे प्लस माइनस को। ये देखिए आप, हम इसको जोड़ दिए। उसके बाद में अब इसको हम एसी लाइन दे रहे हैं, दे के चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा चार्जर जो है वो सही हो गया है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको हम एक बार निकाल के इसको दिखा देंगे, इसमें कोई देख सकते हैं आप कोई जुगाड़ नहीं किया हुआ है, वही किट है हमारा जो हम रिपेयर कर रहे थे। और फिर इसको हम एसी लाइन में आपको चेक करके फिर से दिखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा वर्क कर रहा है हमारा।